निजामपुर शाहपुर से मंसूरपुर रोड पर मेसर्स विशाल ब्रिक्स फील्ड के नाम से, जिसके मालिक दिनेश पाल परविंद और तरसा पाल है, जिन्होंने अपने ईंट भट्टे पर ईंट पथाई मजदूरी 640 रुपए प्रति 1000 ईंट पथाई के हिसाब से मजदूरों से तय करके काम कराया था। पूरे सीजन काम कराकर भट्टा मालिक मजदूरों की मजदूरी नहीं दे रहा है और अपने भट्टे से लेबर को भी भगा दिया, जिस कारण से मजदूर अपनी मजदूरी को तरस रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि भट्टा मालिक हमें धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा मजदूरी का पैसा नहीं दूंगा, जो भी तुम्हें कानूनी लड़ाई लड़नी है वो लड़ लो, पैसा वापस नहीं करूंगा। आज हम परेशान होकर दोबारा जिलाधिकारी के पास आए हैं और डीएम साहब ने कहा कि आपका पैसा मिल जाएगा। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित कहाँ से आए आप? हम निजामपुर से आए। क्या मामला आपका? भट्टे का मामला, बाबू जी पैसे नहीं दे रहे। दिनेश पाल और त्रिविंदर मालिक है जी, हमारे पैसे नहीं दे रहे जी। हमें नुकाय नुको, हम कम पैसों में कराए, हिसाब अभी करवा लो। भट्टा निजामपुर में है जी। नुकाय जी वो कम पैसों में करवा लो, 550 में, 640 का बाबू जी। नुकाय में तुम देता नुको कह नु कह रहे जी, अगर जा जाते हो चले जाओ। हेलो जी, मैं और प्रभा नहीं देना का ना, मैं देता कोई कुछ भी दो, मैं नहीं देना का तुम लोग बाप। हाँ जी, ऐसे ऐसे कह रहा है जी, रोज अपना बिरान कर रखे जी, ना हिसाब कर रहा ना कुछ। हाँ जबरदस्ती जी, भट्टे पर भी नुकाया था, मुझे डर नहीं देना का जी। हाँ जी, हमारा मान वही है, कहाँ है? सामान तो जी हमारा वही से है, गाँव के रहने वाले जी। हाँ गाँव में ही भट्टा जी। हाँ जी, अरे एक डेढ़ सवा में आता हो गया जी, कोई पैसा नहीं दिया, काम भी चलते मैंने पैसा दिया जी, पैसा दिया जी, बिल्कुल भी जमादार नहीं पता कर दी। हाँ रमेश टांग डारा जी, क्या नाम? उधार ले खा रहे जी। हाँ जी, उधार ले ले खा रहे जी। रमेश कौन है? रमेश जिम्मेदार का लड़का जी। वो उसका रमेश का रमेश है जी, जसवीर तो है जी, जिम्मेदार जिसका लड़का है जी ये। अरे वो धमकी देता है जी, सारे काम करता है, कल जाओ ऐसे देता, जा रहा जाते कह लो फिर लो, पिशाब पी लियो मेरा, अगर तुम रेट मिल जा मेरी इजाजत के बिना, मेरी इजाजत के बिना जिम्मेदार का लड़का जी ये रमेश जी। और धमकी और दे रहा जी, कल भी परसों मुझे कहा जब हम क्या डाल के तैयार हुए, कल जब बैठे कहीं तो घूम रहे, जो तेरे पोता वो कर ले। हाँ पैसे देने का नहीं, इनके तो लाख दो लाख रुपए और मैं तारीख मांग कर तारीख बढ़वाऊंगा जी, और ऊपर तो 10-20 हजार रुपए देकर मैं तारीख बढ़वाऊंगा इसमें बाबू जी। बस कभी किसी से 200 मांग ले, कभी किसी से मांग ले जी, चल रहा जी। एक महीना 6 दिन हम कचहरी मत हो गए जी, आज हमारी कुछ सुनवाई हुई जी। उन्होंने कहा किलो किलो कार्रवाई होगी अभी थारी तुरंत अभी जी। हाँ जी, क्या बात है? हाँ जी, बात यो है जी, जो मालिक है प्रमुख साहब है अरविंद भट्टे के मालिक, मारा भट्टा है सोनी भाई, सोनी तकान है जी। तो जैसा मान लो वे हम हिसाब को कह रहे जी, कर नहीं रहे बिल्कुल भी, अगर पथेर का हिसाब जी, ईंट पथाई का काम किया हमने जी। हाँ जी, तो जैसा मान लो भट्टे पर जाओ तो हमें एक रुपया नहीं देता, और मान लो कल वो जमादार था, उन्होंने बुलाए भी थे, उन्होंने चलाओ हिसाब करवा लो, जैसा हिसाब करवाने के लिए वहाँ गए तो हमारी साथ जो है बदतमीजी की गई। एक उसने कहा 640 का हमारा रेट है, उन्होंने कहा था कुछ कम करवा लो, मैं कहा चल कम में ही कर दे भाई, जब जक्कत बीमार है, भूखे हैं, हैं जी, मांग तांग का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भट्टे पे कुछ बदमाश टाइप के रहते हैं, मालिक साहब ने छोड़ते हुए हैं कुछ बदमाश, जैसा अमित है गाँव निजामपुर का है, एक चीनू है डबल का है जी, ऐसे ऐसे बदमाश छोड़ रखे, एक दिनकरपुर का है जी, भगा दे जी, मारपीट करनी चाहवा जी, हम भाग जावा उनसे, पैसा तो कुछ भी नहीं जी। दो मान लो जी, हम काफी दिन तो हम दुखी हो रहे जी, परेशान है, यहाँ भी आ रहे जी लेबर इंस्पेक्टर के, यहाँ भी कहीं दरखास्त दे लीजिए, नोटिस भी भिजवा लिया जी, वे कहते हैं सालों जो होना कर लो थारे बस का जो होता हो। हम डीएम साहब से मिले, क्या बात? तो डीएम साहब ने कहा जी नुको तुम्हारा आज ही काम हो जाएगा।